फ्रेंड ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का डोमेट्री रूम है, हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें लॉकर दिख गया, फैन है ही, और मेन रोड पे है तो खिड़की खोल देंगे तो बाहर का हवा आएगा ही। और बात की जाए इसका देखने का, बहुत ही बढ़िया है, स्पंशियल है, अच्छा सॉफ्ट रजाई है, तकिया भी सॉफ्ट ही दिख रहा है। ये धर्मशाला नहीं है, होटल है। बाहर बैठने के लिए भी आप देख रहे हैं, बैठने के लिए भी है। और ये देखिए, बरामदा से आप आनंद भी ले सकते हैं बाहर का। 1200 में क्या मिल रहा है, टेलीफोन मिल रहा है, एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट है। कितना मोटा है देखिए, कंबल भी बहुत ही सॉफ्ट वाला है, बहुत ही सॉफ्ट कंबल है। टेलीविज़न है, डोर है, यहाँ पे जग रखा हुआ है। बाथरूम देखिए, कितना वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, टॉवल है, गीजर है, तो ये सब देख रहे हैं ना, आईना है, बेसिन है, ये सब सारी सुविधा आपको मिल जाएगी 1200 रुपये में। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल भाई जी, फिर से स्वागत है। खैर मकदम है, बहुत ही खास इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर ये जो ब्लॉग होने वाला है ना, वो बजट ट्रैवलर के लिए बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है, और अगर जो फैमिली मेम्बर है उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। मैं बता दूँ कि जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं अभी काठ गोदाम में आया हुआ हूँ, और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नैनीताल। यहाँ से नैनीताल जाना बहुत ही आसानी है, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है, और अप्रॉक्स बस से यहाँ 70 रुपये किराया देकर आप नैनीताल आराम से जा सकते हैं। मैंने यहाँ का खाने का ब्लॉग डाल दिया, और अच्छे महंगे ब्लॉग, महंगे होटल का भी ब्लॉग डाल दिया, लेकिन अब वैसे होटल का भी ब्लॉग ना रहा हूँ जो कम प्राइस में अच्छा होटल हम देना चाहते हैं। जी हाँ, बजट ट्रैवलर के लिए, और सेपरेट रूम जो लेना चाहते हैं फैमिली वाले, उनके लिए भी इस होटल में मिल जाएगा। जस्ट हमारे सामने देख रहे हैं ना, कुमाऊँ द्वार लिखा हुआ है, ठीक है, काठ गोदाम में। ये जस्ट रेलवे स्टेशन से 2 से 3 मिनट पैदल लगेगा यहाँ पहुँचने में। जस्ट स्टेशन से बाहर निकलिए, और काठ गोदाम का जो ये आपको डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, लगभग 2 से 3 मिनट का फासला है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने पर, काठगोदाम डाकघर आने के बाद। डाकघर से जस्ट बगल में ही ये आपको इस तरीके का येलो वाला आपको दिखेगा द्वार, बहुत ही बढ़िया प्राइस है। 300 रुपया में यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी बेड मिल जाएगा, और 1200 में सेपरेट रूम भी मिल जाएगा। देखता हूँ मैं सेपरेट रूम कम है या नहीं, अभी अंदर चल के क्लियर पता करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि 300 रुपये में आपको सेपरेट बेड मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। आप अपना सामान यहाँ ले लीजिए, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे ना नैनीताल घूमने, तो वहाँ रूम बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो आप अगर काठगोदाम घूमना चाह रहे हैं तो यहाँ रख दीजिए बेड, और नहीं तो यहाँ बुक करके आप वहाँ जाइए, दिन भर घूमिए, शाम में चले आइए। तो इस तरीके से भी यह होटल आपको यहाँ ले सकते हैं काठगोदाम। नैनीताल का भी मैं वहाँ डोमेट्री क्या है, धर्मशाला का प्राइस क्या है, होटल का प्राइस क्या है, वहाँ का ही बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं अंदर इसके और देखते हैं कैसा बेड है। चलिए, तो फ्रेंड फाइनली जो है ना, हम लोग आ चुके हैं अपने डोमेट्री वाले रूम में। अब मैं बता दूं कि यहाँ 800 रुपये का भी सेपरेट रूम मिलता है। तो चलिए देखिए, यहाँ डोमेट्री लिखा हुआ है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का डोमेट्री रूम है, हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें लॉकर दिख गया, फ़ैन है ही, और मेन रोड पर है तो खिड़की खोल देंगे तो बाहर का हवा आएगा ही। और बात की जाए इसका देखने का, बहुत ही बढ़िया है, स्पंशियल है, अच्छा सॉफ्ट रजाई है, तकिया भी सॉफ्ट ही दिख रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, आईना भी सामने है, बहुत ही बढ़िया लॉकर वगैरह है। तो काठगोदाम में बेस्ट होने जा रहा है ये आपके लिए। बस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, डाकघर किसी से पूछिए, 2 मिनट लगेगा, आप यहाँ इस द्वार वाले होटल में आ सकते हैं। ये धर्मशाला नहीं है, होटल है, बहुत ही बढ़िया है, और बाथरूम बगल में ही होगा सब। देखिए ये बेसिन है, बाथरूम बगल में है, तो बहुत ही बढ़िया है, 300 रुपये में। बाहर बैठने के लिए भी आप देख रहे हैं, बैठने के लिए भी है, और ये देखिए, बरामदा से आप आनंद भी ले सकते हैं बाहर का। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं इसे बंद करता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। तो फ्रेंड मैंने तो आपको 300 वाला दिखलाया ही, मतलब कितना बढ़िया था, और 800 वाला भी लगा हुआ है, जब तक उससे पहले 1200 वाला देख लीजिए। देखिए 1200 में क्या मिल रहा है, टेलीफोन मिल रहा है, एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट है, कितना मोटा है देखिए, कंबल भी बहुत ही सॉफ्ट वाला है, बहुत ही सॉफ्ट कंबल है। टेलीविज़न है, डोर है, यहाँ पे जग रखा हुआ है। बाथरूम देखिए, कितना वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, टॉवल है, गीजर है, तो ये सब देख रहे हैं ना, आईना है, बेसिन है, ये सब सारी सुविधा आपको मिल जाएगी 1200 रुपये में। तो चलिए, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो फ्रेंड फाइनली मैंने आपको 300 वाला भी दिखलाया, 800 वाला भी दिखलाया, और सॉरी 800 वाला नहीं दिखला पाया क्योंकि वो रूम लगा हुआ था, थोड़ी देर में खाली होने वाला था। 1200 में आपने देखा कितना फैसिलिटी है, बट 2 आदमी के लिए है, अगर आप 3 आदमी हैं तो 240 बढ़ जाएगा, यानी 1200 वाला रूम में अगर 3 आदमी रहते हैं तो 1440 देना होगा। फिर भी कहा जाए तो अदर जगह जो मैंने दिखलाया था 2000 में 2%, उससे तो अच्छा ही है,
नो डाउट है। तो आप यहाँ एकदम हर हाल में रह सकते हैं। 250 में नहीं होगा तो बेटे 300 लगेगा नेट, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है भाई। तो अगर आप काठगोदाम में रुकना चाह रहे हैं और अगर नैनीताल जा रहे हैं यहीं रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप आके इस द्वार में आप रह सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो पूरे इंडिया से होटल की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए फिर हाजिर होते हैं खास ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय।